हिंदी विवेक कुछ ही दिनों में एक ग्रंथ प्रकाशन करने जा रहे हैं, सशक्त नेतृत्व समर्थ भारत, संकल्प को शक्ति का अधिष्ठान। इस ग्रंथ की खासियत है कि इस ग्रंथ में बहुत ही बड़े महानुभावों ने, बहुत बड़े नामों ने अपने विचार रखे हैं या अपना लेख दिया है। भैयाजी जोशी है, अगर मंत्री परिषद की बात करूं तो मैं बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों ने लिखा है, जैसे श्री अमित शाह जी, श्री नितिन गडकरी जी, श्री एस जयशंकर, श्रीमती स्मृति ईरानी, श्री अश्विनी वैष्णव जी, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, श्री पीयूष गोयल, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री अजीत डोभाल जी, ऑनरेबल एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, सद्गुरु जी, डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, अनुपम खेर, विनोद तावड़े, आदर पुनावाला, ऐसे काफ़ी बड़े नाम है। एक छोटा सा नाम भी है, प्रशांत कारुलकर। ये ग्रंथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इस ग्रंथ की शुरुआत मेरे जन्म की कहानी से हुई है। मेरा जन्म हुआ था 20 नवंबर 1975, इमरजेंसी के टाइम पे। ये ग्रंथ उन सभी सक्षम नेतृत्व को समर्पित है जिनका अमूल्य योगदान से भारत समर्थ बना है। मेरे लिए इमरजेंसी के वक्त जब इस तरह का अत्याचार हुआ था देश में, तो अंडर करंट था, एक विचारधारा बनी थी, उस वक्त सभी का योगदान था। तो वहाँ से एक तरह से एक स्ट्रगल शुरू हुआ था, एक फाइट शुरू हुई थी, और उसका परिणाम 2014 में जब मोदी जी का सक्षम नेतृत्व भारत को मिला, वहाँ से 2014 से अभी तक 9 सालों में किस तरह से भारत बदला हुआ है, उसका पूरा वर्णन मैंने अपने शब्दों में किया है। मैं मेरे कुछ पन्ने भी यहाँ डाल रहा हूँ जो मैंने लिखा है और जो मेरी अपनी कहानी है। हमारा एक न्यूज़ चैनल है मराठी में, न्यूज़ डंग का वेब पोर्टल है, हमारा न्यूज़पेपर है। कई बार जब मैं बाहर जाता तो मुझे बोला जाता है कि आप प्रो मोदी बातें करते हो, कि आप मोदी मीडिया हो या मोदी भक्त हो। मैं बोला मैंने मेरी जीवन की कहानी से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। जो हमने अनुभव किया, जो हमने डेवलपमेंट किया 2014 के बाद, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर उस सक्सेस में आपको हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी दिखते हैं, तो एक तरह से हम इसको एक सर्टिफिकेट के तौर पे मानते हैं कि आप भी उसको प्रमाण दे रहे हो कि हम जो बोल रहे हो वो सच है। बिना बायस्ड हुए बात कर रहा हूँ, इसलिए पढ़िएगा ज़रूर। और आई एम वेटिंग कि ये ग्रंथ जल्द से जल्द लॉन्च हो जाए या प्रकाशन हो जाए इसका। और ये सभी चीज़ों का श्रेय मैं दूंगा श्री अमोल पेडनेकर जी को, जो हिंदी विवेक के संपादक है। उन्होंने मेरी कहानी सुनी, उन्होंने मुझे मौका दिया इस ग्रंथ में लिखने के लिए। तो अमोल जी, थैंक यू वेरी मच। और ये ग्रंथ मैं समर्पित करता हूँ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को। आज उनका जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई उनको।